नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक और प्याज के बहुत ही टेस्टी पकोड़े। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। पालक और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए एक बाउल हमने ये पालक लिया है, इसको काट के अच्छे से धो लिया है। बाउल में डाल लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, दो मिर्च बारीक कटी हुई, एक चम्मच अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा प्याज लिया है जिसको हमने देखिए इस तरह से मसल लिया है, जिससे इसके एक एक लच्छे खुल गए हैं, तो इस प्याज को डाल देते हैं। एक बाउल लेंगे बेसन, तो बेसन को छान के लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, थोड़ी सी हींग लेंगे, दो चुटकी खाने वाला सोडा जिससे पकौड़े हमारे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, एक चम्मच चीनी, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसे आप ज़रूर डालें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, तो अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो थोड़ा सा ही पानी इसमें यूज़ करना है, तो इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। पकोड़े का देखिए थिक बैटर हमने बना के तैयार कर लिया है, नॉर्मल पकौड़ों से थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए इसके हम इस तरह से गोल गोल पकौड़े बनाएंगे, तो गोल पकौड़े बनाने में बहुत ही आसानी होगी, तो इस तरह से पकौड़े बनाएंगे और तेल गरम करने रख देंगे गैस पर। पकौड़ों के लिए तेल अच्छा गरम हो गया है, तो अब पकौड़े बनाएंगे। तो पकौड़ों का साइज़ हम बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, तो इस तरह से गोल गोल इसमें पकौड़े छोड़ेंगे। तो जितने पकौड़े इसमें आ जाएंगे उतने डाल लेते हैं। एक साइड से सिकते ही इन्हें पलट लेंगे, तो कुछ पकौड़े हमारे अच्छे से सिक गए हैं, तो देखिए इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और अलट पलट कर इसे हम गोल्डन ब्राउन अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। पकौड़े हमारे अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसे हम छलनी में रख के प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे पकौड़ों को।